हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज और उससे रिलेटेड थीम्स। और अक्सर एग्ज़ाम में इन सब दिनों के थीम या किस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो इससे क्वेश्चन बनता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 22 मार्च। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर। क्या थीम था? वैल्यूइंग वाटर। वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या था? आप वैल्यू कीजिए वाटर को, वाटर को इम्पोर्टेंस दीजिए, यही था थीम। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कौन दिन था। तो अब आते हैं 22 मार्च से 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को क्या था? वर्ल्ड अर्थ डे, है ना, अर्थ डे। और ये 22 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका थीम क्या था? रिस्टोर आवर अर्थ। क्या था? रिस्टोर आवर अर्थ। अच्छा, ठीक है। अब 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब तक हमने दो पढ़ा, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर। और 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, और थीम क्या है? रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 22 मई, ये 22 मई को मनाया जाता है। क्या नाम है दिन का? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस, है ना। और इस दिन का थीम क्या है? वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यही थीम है। वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो 22 मई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, और थीम क्या है? वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और आखिरी देख लेते हैं आज का। 5 जून, आपको पता ही होगा, ये तो वर्ल्ड फेमस है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, और आपको जानकर खुशी होगी कि इसका थीम क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यही थीम है। और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इस साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एक होस्ट कंट्री होता है हर साल, तो इस साल का होस्ट कंट्री कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, और क्या थीम है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। चलिए, थैंक यू।